आ रही है, क्योंकि जो दर्द हमारे भाई बड़े भाई जो है सैयार भाई ने जो बताया और दीगर लोगों ने बताया है, मैं सलाम करना चाहता हूँ उन माओं को जो आज 60 साल से 70 साल से जो है वो जुल्म और बर्बादियत का शिकार है। मैं सलाम करना चाहता हूँ उन माओं को और उन बहनों को जो हाफ विडो बन के जो घरों में बैठे हैं। मैं सलाम करना चाहता हूँ उन गुनन पुष्परा के विक्टिम्स को जो आज जो है जो इंसाफ के लिए हर डोर दर दर ठोके खा रहे हैं। मैं सलाम करना चाहता हूँ उन मेरे भाइयों को जो कस्टडी के नाम पे, प्रिवेंटिव कस्टडी के नाम पे जेलों में सड़ाया जा रहा है और छोटे से छोटे बच्चों को जो है लेके जाके जेल में डाल दिया जा रहा है। मैं सलाम करना चाहता हूँ उन तमाम मजलूम कश्मीरियों को जो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये दावा करती है कि हम कश्मीर के जो भी आवाम है उनको गले से लगा देंगे। सबसे पहले मैं आपको अगर बैक साइड मुद्दे के पीछे आपको ले जाऊँ तो जो ही आर्टिकल 370 को रिवोक करने का इरादा किया गया था एक दिन पहले की बात मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम उस वक्त कश्मीर मौजूद थे जो हालात वहाँ के बने एक दिन पहले। वहाँ के आवाम को पूरा लाभ था कि 370 आर्टिकल के साथ कुछ होने वाला है। हम वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारी डेलीगेशन वहाँ पर जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ उनके सामने जाते उनसे कहते हैं कि भाई क्या कदम आप उठाने वाले हैं, क्या ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाले जो कश्मीर के आवाम के मुखालिफ हो, जो कश्मीर के आवाम नहीं चाह रहे हैं। तो उनका साफ वाजिया पैगाम था कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 370 आर्टिकल के बारे में ऐसा कोई रिवोक नहीं होने वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में सोच रही है। और अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि हम किस गवर्नर पर भरोसा करें, उस गवर्नर पर जिसने अपनी ज़ुबान से कहा कि 370 आर्टिकल के ऊपर वो रिवोक नहीं होगा। तो अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री जम्मू या हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारी हक है जिस तरीके से बाकी सिटीजन को हक है उसी तरीके कश्मीर के हक है, हम राइट टू स्पीच अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचा सकते हैं, हम हमारे फेवर में जो भी मतलब हमारे खिलाफ जो भी वॉलेशंस हो रहे हैं हम आवाज़ उठा सकते हैं, पर आप उसको हमेशा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज की